नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने महिला जजों की संख्या बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता के साथ फैसले दिए जा सकेंगे। उन्होंने अपनी बात पर जोर देने के लिए इस बात का भी हवाला दिया कि देश के सबसे बड़े न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर अब तक कोई भी महिला जज नहीं बैठी है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ के एक मामले में हाईकोर्ट ने अनोखा फैसला दिया था। इसमें पीड़िता से राखी बंधवाने और शगुन देने की शर्त पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा गया था। इसी फैसले के खिलाफ कुछ महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि ऐसे अदालती फैसलों से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। ये विशेष अनुमति याचिका अपर्णा भट्ट और 8 अन्य महिला वकीलों की ओर से दायर की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर के बेंच के सामने सवाल उठा था कि भविष्य में इस तरह के फैसलों से किस तरह बचाया जा सकता है। इस बारे में अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे गए थे। इसी के बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अब हलफनामा दाखिल किया है। इसमें इस तरह के मामलों को देखते हुए महिला जजों की संख्या बढ़ाने, जजों की ट्रेनिंग और बेल कंडीशन के बारे में अपनी राय दी है। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया है कि अदालतों को आरोपों की गंभीरता समझते हुए शादी कराने जैसे फैसले नहीं देने चाहिए। पीड़िता की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। वेणुगोपाल का कहना है कि महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए जजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि फैसलों में संवेदनशीलता ज्यादा दिखाई दे। उन्होंने कहा कि महिला जजों की संख्या और हकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सख्ती बढ़ती जा सकेगी। उन्होंने जुडिशरी और कोर्ट स्टाफ में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की भी वकालत की। ऐसे आदेश ना दिए जाने की अपील की जिनसे आरोपी और पीड़िता का आमना सामना हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केवल 2 महिला जज हैं, जबकि यहां जजों की 34 सीटें हैं। यहां कभी कोई चीफ जस्टिस क्यों नहीं रही। पूरे देश में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 1113 स्वीकृत पद हैं। इनमें से केवल 80 महिला न्यायाधीश हैं। इन 80 में से 78 महिला जज विभिन्न हाईकोर्ट्स में हैं। ये कुल जजों की संख्या के केवल 7.2% ही है। अब थोड़ा उस राखी बंधवाने वाले मामले के बारे में भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत का यह फैसला 30 जुलाई को दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ पीड़ित के घर जाएगा, राखी बंधवा कर 11,000 रुपए देगा, उसकी रक्षा का वादा करेगा, पीड़िता के बेटे को 5,000 रुपए, कपड़े और मिठाई भी देगा, इसकी तस्वीरें रजिस्ट्री में जमा कराएगा, इसके बाद 50,000 के मुचलके पर उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो आपका अटॉर्नी जनरल के इन सुझावों पर क्या सोचना है? महिला जजों के बारे में जो बात कही गई, उनकी तैनाती की जो बात कही, जो ट्रेनिंग की बात की गई, उस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।